अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे मेट्रो स्टेशन के बारे में। जैसा कि मेरे सामने आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा किस्म का शाहदरा का जो मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इस वक्त रात के मनाजिर में आपसे शेयर करने वाला हूँ कि रात टाइम इसके क्या कंडीशन है। और आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि काम जो इसका है वो कब तक एंड होगा, कौन कौन सा काम अभी तक पेंडिंग है, और कब तक जो है वो शाहदरा मेट्रो स्टेशन का जो है वो इफ्तिताह हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अभी इस जगह से। जैसे कि मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये जगह जो सी आपको सारी नज़र आ रही है, ये वाली सारी जगह, यहाँ पे हमारी मेट्रो बस जो है वो पार्क होगी। इस साइड से गज्जू माता वाली साइड से आएगी और आकर जो है वो इस साइड पर मेट्रो बस पार्क होगी। यानि कि ये हमारा मेट्रो बस का पहला स्टेशन भी है और आखिरी स्टेशन भी यही है। तो ये सारी जगह जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, सारी कंक्रीट की तैयार की गई है, ये सारी जगह हमारी जो है फाइनल है, और यहाँ पर हमारी मेट्रो बस पार्क भी होगी और यहाँ से ही बिल्कुल आगे स्टेशन की जानिब जाएगी और यहाँ से जो है वो अपनी सवारियाँ पैसेंजर्स जो हैं जो भी है वो यहाँ से जो है वो बिठाएगी। तो अभी हम आगे चल के देखते हैं कि मेट्रो स्टेशन के अंदर कौन सा काम पेंडिंग है और कौन कौन सा काम अभी यानी कि होने वाला है। तो आइए चलते हैं आगे। तो जी गाइस, अभी आप मेरे सामने देखेंगे, ये सारा एरिया देखेंगे आप, सारा एरिया हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे स्टील के जो है वो डोर्स वगैरह दरवाजे वगैरह लग चुके हैं, सारा जो बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का जो मामला है सारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये वाली साइड आप देखेंगे सारी की सारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, बिजली के हवाले से जो है वो ओपन हो चुकी है। तो लेकिन अगर आप आएंगे इस साइड पर, यहाँ पर अभी कुछ काम जो है वो बिजली के हवाले से पेंडिंग है। यहाँ पर देखेंगे आप लाइट्स वगैरह कुछ भी ऑन नहीं है, तो यहाँ पर भी सारा का सारा जो कह लें आप इलेक्ट्रिसिटी का जो भी काम है अभी होने वाला है। तो बाकी देखेंगे आप इसकी जो रूफ़ है, तमाम की तमाम इसकी जो रूफ़ है, छत है इसकी स्टील की बनाई गई है, सारी की सारी रेडी है, और इसके ऊपर बड़े अच्छी तरीके से जो है वो वाटर प्रूफिंग भी की गई है। तो बाकी उसके अलावा देखेंगे आप ये वाले सारे रोड्स भी आलमोस्ट, ये पहले के ही रोड्स हैं, अभी इनको फ्रेश नहीं बनाया गया। कुछ कुछ जगह पर आप कह लें कि यहाँ पर फ्रेश कंक्रीट भी की गई है, लेकिन आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सारे पुराने हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे उस साइड पर, सामने वाली साइड पर, वहाँ पे आप देखेंगे सारी की सारी कंक्रीट जो है वो फ्रेश हुई थी। मैंने आपसे पहले अपनी वीडियोस में शेयर भी किया था कि यहाँ पर जो है वो तमाम की तमाम जो रोड्स हैं वो फाइनल हो चुकी हैं। वो पीछे वाली साइड जो मैंने आपको दिखाई है वो सामने आप साइड देख सकते हैं। यहाँ पर कह लें कि आप रोड्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो कंक्रीट के रोड्स यहाँ पर आलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। तो बाकी उसके अलावा अगर हम सामने ये जो हमारा जहाँ से हमें टोकन मिलेंगे, अगर हम इससे आगे से देखेंगे तो वहाँ पर अभी आप कह लें कि कुछ काम होने वाले हैं। रोड्स वहाँ पर सारे का सारा बनने वाला है। रावी ब्रिज के ऊपर जहाँ से मेट्रो बस के गुजरने का रास्ता है वहाँ पर भी अभी इनके काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम रहता है। रोड्स सारे कह लें कि इस ब्रिज से आगे तमाम के तमाम बत्ती चौंक तक जो मेट्रो बस का रूट है वहाँ पर अभी कह लें कि आप तमाम के तमाम रोड्स बनने वाले हैं। तो बाकी आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली सारी जो साइड है यहाँ पर आप कह लें कि अभी बिजली का काम होने वाला है, यहाँ पर अभी बिजली नहीं आई। तो बाकी जो ये वाली साइड है सारी सारी की सारी जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, सारी वायरिंग वगैरह यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ पर लाइट्स ऑन भी हो गई है। तो बाकी आगे चल के देखते हैं। ये देखेंगे आप यहाँ पर जो है वो आप आएंगे सामने से, आप जो कह लें कि वो यहाँ से आप टोकन लेकर, आपने अगर जाना है गज्जू माता पर तो आप यहाँ से टोकन लेंगे और इन सीढ़ियों से होते हुए आप आएंगे इस साइड पर, और यहाँ पर टोकन आप अपना इंटर करेंगे। तो इंटर होने के बाद आप यहाँ से ईज़िली आगे जा सकते हैं। तो सामने जहाँ पर आपने दिखाया आपको, यहाँ पर भी मेट्रो बस बिठाएगी सवारियों को, और आगे से भी जो मेट्रो बस है सवारियों को बिठाएगी। तो बाकी अगर आप गज्जू माता से आते हैं शाहदरा वाली साइड पर, तो यहाँ पे आपको जो है वो मेट्रो बस उतारेगी और आप यहाँ से बस से निकलकर यहाँ से अपने टोकन की एंट्री करेंगे और यहाँ से आप सीधा ब्रिज के ऊपर होते हुए बाहर की जानिब जा सकते हैं इजीली। तो बाकी देखेंगे आप यहाँ पर जो है वो मशीनरी वगैरह खड़ी है। और उसके अलावा मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि एक तो सामने आप देख रहे हैं सामने बूथ बना है टोकन वाला, एक तो यहाँ से टोकन मिलेंगे, उसके अलावा टोकन का एक और रास्ता है यहाँ पर सामने, जहाँ तक मुझे भी कंफर्म नहीं है लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है कि यहाँ से भी आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में टोकन्स वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पर सारा प्रॉपर टोकन्स के हवाले से ही रास्ता बनाया गया है। आप अगर ऊपर से आएंगे तो आप यहाँ से इजली, ये सामने दरवाज़ा है, यहाँ से आप अंदर जाएंगे और वहाँ से होते हुए आप सामने से इधर टोकन लेंगे और यहाँ से आप इजली बाहर आकर सामने बस की जानिब जा सकते हैं।
तो बाकी देखेंगे आप, इस सारे का सारा जो है वो ऑलमोस्ट हमारा मेट्रो बस का काम रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि रमज़ान ईद से पहले पहले इसका जो है वो इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि ईद से पहले पहले इसको मुकम्मल किया जाए और मेट्रो बस को शाहदरा से आगे गजुमत वाली साइड पर रवाना किया जाए। पहले आपको पता है कि हमारी जो मेट्रो बस है बत्ती चौक से आगे गजुमत वाली साइड पर जाती है, तो लेकिन ये मुकम्मल जब हमारा स्टेशन हो जाएगा तो फिर यहाँ से हमारी बस ईज़िली आगे जा सकती है न्याजी चौक वाली साइड से, और आगे गजुमत वाली साइड पर हमारी बस जो है वो ईज़िली जा सकती है। बाकी देखेंगे आप, ये वाली कुछ साइड है यहाँ पर भी काम वगैरह होने वाला है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मलबा जो सामान बच गया है, सामने जो है वो स्टोर वगैरह बना कर रखा गया है, वहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा जो माल बचा हुआ है जो काम अभी यानी कि यहाँ पर नहीं आएगा वो है। तो बाकी ये जगह भी इंशाल्लाह जल्द सफाई की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर ये वाली जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर जहाँ तक मेरा आइडिया है कि यहाँ पर जो है वो बाइक्स की पार्किंग वगैरह यहाँ पर बनाई जाएगी। पहले भी आपको पता होगा कि इसी साइड पर बाइक्स की जो है वो पार्किंग वगैरह भी बनाई गई थी, लेकिन उम्मीद है अभी दोबारा से ये सारी जगह जो है वो रेडी करके यहाँ पर बाइक्स की जो है वो पार्किंग वगैरह बनाई जाएगी। बाकी देखेंगे आप, अभी मैं रावी जो होटल है हमारा उसके बिल्कुल सामने हूँ। तो ये जो सीधी साइड है आगे जाती है हमारी गजमत वाली साइड पर, ये सामने कुछ स्टोर वगैरह जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है उसके स्टोर वगैरह यहाँ पर बने हैं। तो जी गाइज, अभी यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नाइट के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं तो उनसे मैंने पूछा है कि सामने जो कह रहे हैं कि वो रोड वगैरह यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, यहाँ से लेकर सामने रावी का जहाँ पर ब्रिज स्टार्ट होता है वहाँ तक यहाँ पर जो है वो एसफाल्ट की रोड बन गई है। तो मुझे आइडेंट है, मैं अभी नाइट में आया हूँ, तो शायद कल या आज सुबह जो है वो यहाँ पर काम किया गया वो मेट्रो बस के वाले से। तो बाकी यही है कि सामने तक जो है वो रोड रावी ब्रिज तक ईजली रोड बन गई है। तो इंशाल्लाह जो इसका इफ्तिताह है मेट्रो बस का सुनने में जो आया है वो यही है कि 6 अप्रैल को जो है वो इसका इंशाल्लाह इफ्तिताह हो जाएगा, यानी कि ईद से पहले पहले। ईद आई थिंक सो 10-11 की आई थिंक ईद आ रही है, लेकिन ईद से पहले पहले, ईद से 4-5 दिन पहले जो है वो इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। तो बाकी आपके सामने है हमारा माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है वो मेट्रो बस का जो स्टेशन है रेडी हो चुका है। बाकी देखेंगे आप, सारे का सारा जो कलर जहाँ पर है वो रेडी हो चुका है, काफ़ी जो है वो माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है हमारा मेट्रो का स्टेशन जो शाहदरा का है। इंशाल्लाह इसका जो है वो इफ्तिताह 6 अप्रैल से पहले पहले इंशाल्लाह इसका हो जाएगा जो सुनने में आया है। बाकी अल्लाह पाक खैर करके कब इसका इफ्तिताह होगा कब नहीं होगा, जो न्यूज़ मिली है वो यही है कि 6 अप्रैल यानी कि ईद से पहले इसका जो है वो मेट्रो बस शाहदरा स्टेशन का इफ्तिताह इंशाल्लाह पॉसिबल हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की मेरी वीडियो इतनी थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।